दिल्ली के रोहिणी इलाके में चोरों के गैंग ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। रोहिणी सेक्टर 7 के बी ब्लॉक में चोरों के गैंग ने निशाना बनाया है एक ज्वेलरी शोरूम को, जहां से लगभग 6 करोड़ रुपए की कीमत के सोने और हीरे के जेवरातों को लेकर वो फरार हो गए हैं। बी ब्लॉक का ये वही अग्रवाल आभूषण ज्वेलरी शोरूम है जहां पर शुक्रवार को जो चोर है वो यहां पर पहुंचे थे। कई चोरों की संख्या ज़्यादा थी, बताया जा रहा है कि इन्होंने पहले शटर को तोड़ा और उसके बाद जो है आराम से अंदर दाखिल हुए और जो भी सोने के जेवरात और डायमंड यानी हीरे की जो अंगूठियां वगैरह पड़े हुए थे उनको उठाया, इवन जो वहां पर गोल्ड कॉइन्स थे उनको भी लिया और लेकर के आराम से चले गए। लगभग 6 करोड़ रुपए की चोरी ये बताई जा रही है। सुबह जब लोग यहां पर पहुंचे उन्होंने देखा तो उसका दुकान के मालिक और पुलिस को इत्तला दी, पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो सीसीटीवी लगे हुए थे शोरूम के अंदर वो काम नहीं कर रहे थे, यानी कि जो चोरों की तस्वीर है वो शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद नहीं हुई है और ये पुलिस के लिए एक बड़ी परेशानी है। देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा मामले जो सुलझाए पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से सुलझाए और इसीलिए अब इस मामले को सुलझाने के लिए आसपास के जितने सीसीटीवी फुटेज हैं उनको पुलिस कर रही है कि शायद किसी सीसीटीवी में इन चोरों का चेहरा कैद होगा। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और 6 करोड़ रुपए के इस चोरी की वारदात को सुलझाने की कोशिश कर रही है।